बात करते हैं काली कमाई के कारखाने की। यूपी के इत्र कारोबारी पीयूष जैन को कल गिरफ्तार कर लिया गया। सेंट्रल जीएसटी की इंटेलिजेंस टीम ने गिरफ्तार किया गया और अभी तक जो रेड हुई है, जो छापेमारी पड़ी है, उसमें 250 करोड़ से अधिक की काली कमाई का खुलासा हुआ है। आज कोर्ट में भी पेश किया जाएगा पीयूष जैन को। रिपोर्ट देखिए। कानपुर के बाद कन्नौज से भी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस यानी डीजीजीआई की टीम को कारोबारी पीयूष जैन के घर से करोड़ों रुपए से अधिक का कैश मिल चुका है। डीजीजीआई की टीम की कार्रवाई अभी जारी है और लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। छापेमारी और करोड़ों रुपए कैश और भारी मात्रा में सोना चांदी की बरामदगी के बाद सेंट्रल जीएसटी की टीम ने पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले तीन दिन से जारी छापेमारी की इस कार्रवाई में हैरान करने वाली खबरें और तस्वीरें सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि कानपुर और कन्नौज में पीयूष जैन के घर पर हुई छापेमारी में अकूत दौलत जब्त की गई है। छापेमारी के बाद पीयूष जैन के घर से जब्त संपत्ति को मुद्दा बनाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को पूर्ववर्ती समाजवादी सरकार पर निशाना भी साधा। जो पैसा इन्होंने लूट करके रखा था, आज दीवारों से कैसे निकल रहा है इसका प्रमाण आज आप देख रहे होंगे कि कल 257 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकला। आज भी लगभग 100 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकल रहा है। ये पैसा गरीब का पैसा है और गरीब का पैसा सत्ता के संरक्षण में कैसे लूटा जाता था, इसका प्रमाण भी है। आरोप है कि पीयूष जैन समाजवादी पार्टी का करीबी है। कुछ समय पहले ही इसने समाजवादी इत्र ब्रांड नेम से एक इत्र की वैरायटी तैयार की थी, जिसे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लॉन्च किया था। लेकिन अब जीएसटी की छापेमारी में करोड़ों की दौलत जब्त होने के बाद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधने का मौका मिल गया। पिछले 2-3 दिनों से लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए एक व्यक्ति ने, जो कहता था कभी समाजवादी इत्र की बात करता था, तब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था ये समाजवादी इत्र नहीं, समाजवादी बदबू है जो गरीबों की बददुआ को लेकर के प्रदेश के अंदर फैलाया जा रहा है। आपको बता दें कि डीजीजीआई की टीम ने पहले पीयूष जैन के कानपुर वाले घर पर छापेमारी की थी, जहां 250 करोड़ रुपए से अधिक कैश मिला। इतना कैश गिनने के लिए डीजीजीआई की टीम को पैसा गिनने वाली 17 मशीनें लगानी पड़ी थी। छापेमारी के बाद पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच कैश से भरे 25 बक्सों को कंटेनर में रखकर बैंक ले जाया गया था। कानपुर के बाद डीजीआई की टीम ने कन्नौज में भी छापेमारी की। पीयूष जैन के इस ठिकाने से भी अकूत दौलत मिलने की बात कही जा रही है। कन्नौज में भी नोटों की गिनती करने के लिए पैसा गिनने वाली मशीन मंगाई गई थी, जिसके आधार पर भारी मात्रा में कैश की बरामदगी होने की बात कही जा रही है। बहरहाल पीयूष जैन को सेंट्रल जीएसटी ने गिरफ्तार कर लिया है। आज पीयूष जैन को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां सेंट्रल जीएसटी कोर्ट से पीयूष की रिमांड मांगेगी। कानपुर से अमित सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन।